हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Hi everyone, so I am ready. मैंने ये वाली ब्लैक वाली साड़ी पहनी है जो जटकी से ली थी. सो इसके साथ मेरे पास ये गोल्डन ब्लाउज था जो मैच कर रहा था. सिलाया सिलाया तो कुछ है नहीं अभी, तो मैंने ये पहन लिया. एंड मेकअप वीडियो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी. सो अभी निकलने का टाइम हो रहा है, चलिए चलते हैं. एंड वो वीडियो कब शेयर करना है मुझे पता नहीं है, बट स्टिल आई विल शूट एवरीथिंग व्हेन एवर आई नीड टू पोस्ट इट, आई विल पोस्ट. चलिए. सो जैसे कि आपने देखा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ. अभी साड़ी का लुक जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा. इससे पहले तो ओनली फेस का दिखाया था. तो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ लोगों को इन्वाइट किया है. तो ये जो अभी प्रवेश कर रहे हैं अंदर, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूट्यूबर, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में, तेलुगु में. तो हमारे घर से ही जाने का रास्ता था, पहले हमारा घर ही आता था, उसके बाद जहाँ पे हमको जाना था वो लोकेशन. तो मैंने बोला ठीक है घर ही पे आ जाओ, मिल के चले जाएंगे करके. तो मैंने इनको इन्वाइट किया, तो ये अपने फैमिली के साथ ही यहाँ पे आई है. इनका नाम स्वप्ना है, आगे इनका इंट्रोडक्शन मैं फिर से दूँगी. एंड टीवी में कुछ न्यूज़ चल रही थी, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट. तो स्वप्ना ऊपर आ गई और बहुत देर से हम वेट कर रहे थे कि स्वप्ना के हस्बैंड और उनका बेटा ऊपर नहीं आया था. पता नहीं नीचे क्या कर रहे थे, नीचे भी ऊपर से देखने से नीचे भी नहीं दिखाई दे रहे थे और ऊपर भी नहीं आ रहे थे. तो थोड़ी देर के बाद जो है पता नहीं पार्किंग वार्किंग करके ऊपर आए. तो इतने में स्वप्ना ने एक राउंड लगा दिया, फिर मैंने भी दो तीन राउंड लगाए. एंड अभी स्वप्ना का लड़का आ गया है, उसका नाम है साई. एंड स्वप्ना के हस्बैंड हैं, तो मेरे हस्बैंड भी आके उनसे थोड़ा वार्तालाप बैठ के उन्होंने भी किया, क्योंकि हमको भी अपनी जो है वीडियो बनानी थी या थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी. देख लीजिए. तो मेरे घर में आ चुके हैं. हाय, शी इज स्वप्ना फ्रॉम स्मार्ट तेलुगु हाउसवाइफ. तो हम दोनों मिलके कहीं जा रहे हैं, बाद में बताएंगे, अभी नहीं. और मेरे हस्बैंड जो है हॉल में बैठे हैं, तो अभी हमने चाय पानी पी लिया. एक्चुअली मना कर रही थी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को पहली बार आए हमारे घर में, थोड़ी सेवा करने का तो मौका दो करके. देखो अभी बच्चे जब भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे होते ये बच्चे देखो दरवाजा तोड़ देंगे. सो इसका जो फुल वीडियो है मैं तेलुगु में भी शूट करूंगी, बिकॉज शी इज मोर कम्फर्टेबल इन तेलुगु. तो मेरे तेलुगु चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी कीजिए. बहुत लोग कंफ्यूज है कि मेरे तेलुगु चैनल का नाम क्या है. नाम दोनों का सेम है, दिस इज स्टाइल विद पैशन एंड दैट इज स्टाइल विद पैशन तेलुगु. तो सब्सक्राइब करो और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखो. हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो दूसरी यूट्यूबर है वो पीछे है, उनकी गाड़ी अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से. ठीक है, वो भी आ रहे हैं, उनको विजयवाड़ा इतना मालूम नहीं है, हमको मालूम है, तो हमको फॉलो कर रहे हैं वो लोग. ये अन्ना, तो जो स्वप्ना का बेटा है उसको पूछ रहा है कि भैया कहाँ है, भैया कहाँ है. स्कूल के लड़ो आदित्य अन्य, स्कूल के लड़ो अन्य कार लो एनकल उन्नाडो एनकल उन्नाडो. तो हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, उनके हस्बैंड भी हैं. तो पहले हमने सोचा कि अगर स्वप्ना हमारे घर आ जाती है तो मैं वो साथ में कार में चल जाएंगे, लेकिन उनके हस्बैंड ने जो है परमिशन ले ली, तो इसलिए वो हस्बैंड के साथ आई. तो मैंने बोला चलो हम भी चलते हैं. एक्चुअली बहुत देर तक तो ये ही नहीं उठा था अभिषेक सो के, तो जब ये उठा है सो के उसके बाद इसको रेडी करके हम लोग निकले हैं. अदरवाइज मैंने सोचा अगर सोता रहता है तो फिर मैं अकेले चले जाऊँगी, सोच रही थी. उठ गया तो चल दिए हम लोग भी. चलिए चलते हैं. तो हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और लोकेशन पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ इंस्टाग्रामर्स हैं. तो कुछ कुछ लोगों से मैं आपकी बात करवा देती हूं और उनकी तरफ से भी जो भी वो देंगे आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. लेट इट बी अ यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और अ ब्लॉगिंग थिंग. सो बस थोड़ी सी देर है कि आपको अपना कदम बढ़ाना है और किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को घुसाना है. अगर सोचते रहोगे ना शुरू करेंगे तो कभी शुरू नहीं होगा. So starting something is very important, it will automatically come to an ending.
सो लेट्स स्पीक विद अदर पीपल. हाय, सो मेरे साथ अभी है यहाँ पे सीमा. जो लोग ब्लॉगिंग को फॉलो करते हैं वो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द फेमस ब्लॉगर इन इंडिया एंड आई होप कि इंटरनेशनली भी हो जाए. एंड ये बीच में आ चुका है, भाई साहब हट जाओ. तो मेरा बेटा भी अपने आप को कवर करना चाह रहा है. तो इनका जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट वो है, क्या नाम है, ब्लॉग है, उसका नाम है पांडा रिव्यूज. आपके काम के बारे में आपको बताओ. यू कैन टेल बेटर. हाय एवरीवन, मैं फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग करती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड करती हूँ. तो मुझे खाना बहुत पसंद है जैसे दिख ही रहा होगा एंड घूमना भी. सो मैं जॉब करती थी एक अच्छी कंपनी में पर फिर मैंने छोड़ दिया ताकि मैं अपना पैशन फॉलो कर सकूँ. तो मुझे 3 इयर्स हुआ स्टार्ट करके पांडा रिव्यूज़ और आज अभी मेरे 22,000 प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और मेरे ब्लॉग पे ओवरऑल 1 लाख प्लस विजिटर्स आते हैं हर जगह से, सोशल मीडिया से, ऑर्गेनिकली, SEO से. तो अभी रिसेंटली मैं मलेशिया भी गई थी, मलेशिया टूरिज्म के साथ भी काम किया था, मलेशिया के फूड एंड वहाँ के प्लेसेस दिखाए थे मैंने मेरे ब्लॉग पे. अभी मैं वो अपलोड कर ही रही हूँ, वो सीरीज ही चल रही है. आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा. तो खाने का इसलिए वैरायटी देख लो आप इनके ब्लॉग पे आके एंड फॉलो कीजिए बिकॉज सीरियसली मैंने भी अभी अभी देखा है. मुझे भी, मैं क्योंकि ब्लॉग इतना फॉलो करती नहीं हूँ, यूट्यूब में ही घुसे रहते हैं हम 24 घंटे. तो अब तो क्योंकि मेरा भी एक वेबसाइट है, मतलब ब्लॉग है, swatispassion.com. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो उसको भी शुरू कर दीजिए फॉलो करना. एंड इनसे मैं बहुत अभी इंस्पायर हो चुकी हूँ और इनकी भी बहुत, मतलब तंग करने वाली हूँ इनको. एक्चुअली मैं आपका यूट्यूब देख के इंस्पायर हूँ. इतना अच्छे, मतलब इतने अच्छे चैनल आपका है, इतने अच्छे ब्यूटी टिप्स है, इतने अच्छा लाइफ स्टाइल है, इतना मोटिवेशन है, इतने अच्छे से मैंने अभी आपको देखा बात कर रहे थे. अमेजिंग. थैंक यू सो मच सीमा जी. एंड आपको भी बाकी लोगों से भी मिलाते हैं. तो ये तो हमारी हिंदी पहले हिंदी तेलुगु में बात करती है, ये हमारी हिंदी वाली साथी हैं, बाकी जो है यहाँ के रीजनल लैंग्वेज वाले हैं. तो शी इज़ वन यूट्यूबर. योर चैनल. माय नेम इज़ प्रियंका, मादी एंटरटेनमेंट एकेडमी जॉब्स की एजुकेशन की संबंधी चैनल. सो దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మా ఛానల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మే ఇస్కా ట్రాన్స్లేషన్ కర్ దేతి హూ అగర్ జిన్కో సమజ్ మే నీ ఆయే. ఇన్కా ఎడ్యుకేషన్ సే రిలేటెడ్ ఏక్ ఛానల్ హై జహాన్ పే జితనే భీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆతే హై. बहुत लोगों को क्या है, हमेशा कोई ना कोई अप्लाई करना चाहता है लेकिन उनको पता नहीं लगता कि नोटिफिकेशन आके चली जाती है एंड उसके बाद लोग बोलते हैं अरे ये कब आया था करके. सो हर चैनल विल बी हेल्पफुल इन दैट आस्पेक्ट. यू कैन जस्ट विजिट हर चैनल एंड गेट टू नो अबाउट द अपकमिंग नोटिफिकेशन एंड ऑल. थैंक यू प्रियंका. तो शी इज़ क्रांति चंडिका, शी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल इन आर रीजनल लैंग्वेज विच इज़ तेलुगु. सो वट डू यू मेरू हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स एंड वेर मच नहीं कर रही डायरेक्ट. అంటే అదే మెయిన్ ఉంటుందా? మెయిన్ క్రాంతి చండిక ఛానల్ మెయిన్ అది వీర్మా చండి గారి డాడీ. इनके भी दो चैनल है. देखो आजकल एक चैनल से कोई किसी का पेट ही नहीं भरता, सब लोग दो दो चार चार चैनल खोल के बैठे. सो हर चैनल इज मोर ओवर अबाउट यू नो, जो मैंने एक बार कुछ पिछले साल वीर माशन ने डाइट फॉलो करी थी जिससे मैंने 8 kg लूज किया. बट मेरे हस्बैंड ने उसके बाद मना कर दिया, भैया इतना भुखमरी मत करो, अभी बंद कर दो करके, इसलिए मैंने बंद कर दिया. बट इट वॉज इफेक्टिव विथ लिटिल डिफिकल्टीज. सो इनका चैनल वही है वीरमानहिनी डाइट के बारे में ये पूरा बताते हैं कि उस जब आप वीरमानहिनी डाइट को फॉलो कर रहे हो तो क्या खाना है, क्या बनाना है. तो आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हो. एंड वो जो वहाँ पे अभी क्लिकिंग क्लिकिंग कर रहे हैं वो सीमा जी के भाई हैं जो हमारी बहुत हेल्प करने वाले आगे. एंड वो स्वप्ना का छोकरा है, ये मेरा छोकरा है. स्वप्ना को तो मैं ऑलरेडी आपको मिलवा चुकी इसलिए उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बार बार मिल लेते अपने वीडियो में से हम. एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलने वाली है, हम भी वेट कर रहे हैं किसी का, बाद में बताते हैं किसका. सो यहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स भी अपने अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे. तो यूट्यूबर के अलावा ये तो ब्लॉगर है जैसे मैंने बताया था. तो मैं भी थोड़ा सा जो अपना कैमरा लगा दिया मैंने सेल्फी एंड थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया. तो ये तो आपस वाली बातचीत थी इसलिए दिखा सकते थे इसलिए मैंने दिखाया, लेकिन एक्चुअली इवेंट क्या था वो मैंने नहीं दिखाया अभी तक. एंड इवेंट ख़त्म होने के बाद में इन लोग को मैंने घर पे इनवाइट किया क्योंकि लंच टाइम्स भी क्रॉस हो चुका था. एंड अगर होटल्स में भी जाते तो वहाँ पे भी जो है उस टाइम पे कुछ फूड वूड नहीं मिलता क्योंकि करीब करीब 4 बज ही गए थे. तो स्वप्ना के हस्बैंड ऑलरेडी खा के उठ चुके हैं
एंड स्वप्ना और उनका बेटा खा रहा है अभी। तो कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाया नहीं क्योंकि एवरीडे उसमें सुबह सुबह मैंने जो है अंबाड़ी की दाल बनाई थी एंड फ्राई बनाया था। फ्राई तो मैक्सिमम आदित्य को बॉक्स में डाल दिया, थोड़ा सा बचा था तो थोड़ा सा सर्व करने में अच्छा नहीं लगता करके मैंने वो सर्व नहीं किया, बहुत ही कम था, मे बी 2-3 चम्मच होगा खाली। एंड उन लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद वो लोग भी चले गए। मैं लतपत हो गए तो जो सपना लोग हैं वहाँ से इवेंट हो गया था, हमने बोला कि उन्होंने भी खाना नहीं खाया था, बच्चा भी था उनके साथ, और सुबह सुबह मैंने कैसे भी खाना बना दिया था तो मैंने बोला आ जाओ घर आ जाओ वहीं पे खा के चल जाना। उन्होंने वो मना कर रहे थे, मैं बोला नहीं आ जाओ बना बनाया तो है, अभी होटल में जाओगे ऑर्डर आएगा तब तक और ले जाएगा, लेट हो जाएगा और बच्चा फिर और भूखा रहेगा। मेरा आदित्य भी स्कूल से आ चुका था और ये भी इसने भी कुछ खाया नहीं था तो इसलिए आए अभी अभी वो गए हैं जस्ट, तो अभी हम भी खाना खाएंगे और अभी 5 बजने वाले हैं लेकिन खाना नहीं खाया अभी तक। चलिए मिलते हैं, थोड़ा चेंज वेंज करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सो नाउ दिस इज़ अनदर डे जहाँ पर मैंने चिकन करी बनाई थी एंड शूट करने की बिल्कुल को हिम्मत नहीं हो रही थी, शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है और खाना बनाने में और डबल टाइम लग जाता है करके मैंने ओनली सर्विंग आज दिखा दी आपको। एवरीवन कल के बाद ब्लॉगिंग नहीं की, ऐसे ज़बरदस्त थके हैं हम लोग क्योंकि आने के बाद फिर बहुत लेट हो गया था, खाना वाना सब कुछ भी इतना थक गए थे। कल तो पूरा रूटीन कुछ का कुछ हो गया क्योंकि हमने 5-5:30 बजे खाना खाया, उसके बाद ऐसे ही लेटे और नींद लग गई, सब लोग सो गए ऐसे इतना थक गए थे। इसको देखो गाड़ी चला रहे और इतना थकने के बाद सोए और 10 बजे नींद खुली है एंड उसके बाद खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। फिर इन्होंने किसी को बोला वो जाके फ्राइड राइस लेके आए, फिर वो खाया हमने 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 2 बजे तक टीवी देखी है एंड उसके बाद सोए हैं। और सुबह फिर कब जब हम घर में मेड आई थी तब तो मैं उठी थी लेकिन ऐसी झपकियाँ मारे जा रही थी एंड उसके बाद अभी पूरा काम ख़त्म हो गया है, 1:30 बज रहे हैं अभी, बच्चों को खाना खिलाना है, चिकन बनाया मैंने तो वो अभी थोड़ा टाइम मिला है एंड स्विमिंग की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा टैन होती जा रही है, कुछ कर नहीं सकते, सो फॉरगेट अबाउट इट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके बाल कर्ली हो गए, जब भी स्ट्रेटनिंग कराते तो बाल कर्ली नहीं होते, जो न्यू ग्रोथ आती है वो वैसी आती है जैसी कि जन्म से है आपकी। तो यहाँ पे जो नए बेबी हेयर आ रहे हैं, मैं नहा चुकी हूँ लेकिन लग नहीं रहा है जैसे मैं नहाई हूँ, तो जो न्यू हेयर है बेबी हेयर वो उस टाइप से आ रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रॉपर स्पा करती हूँ घर में अप्रूव, कल जब मैं इवेंट में गई थी जो जिसके लिए मुझे जाना था वो बाद में बताऊँगी जो भी है, जिसमें गई थी उस टाइम पे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे क्योंकि सीरम वीरम एवरीडे लगाती हूँ लेकिन स्विमिंग करने के बाद दो बार सर तो भीगता ही है तो उसकी वजह से जो है बाल ऐसे हो रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है तो वो सीन था। अभी बच्चों को खाना खिलाना है, खिला देते हैं चलो वरना और लेट हो जाएगा। सो यहाँ पे बच्चे पूरा उधम मचा रहे हैं एंड मैं एक और बात बताना भूल गई कि स्विमिंग करते आते ही एकदम चेहरा फुल डार्क हो जाता है, अदरवाइज़ तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन रहता है लेकिन जैसे ही हम क्लोरीन से निकलते हैं ना तो क्लोरीन हो जाता है पूरा। तो मैं स्विमिंग जाके वापस आ चुकी हूँ और हॉल में बच्चों ने हॉल का क्या हाल बना दिया, कितनी बार अरेंज करती हूँ मैं, देर इज़ नो काउंट। अभी आदित्य पता नहीं क्या तार को खोल खोल के पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ दोनों कर रहे हैं एंड अभी देखो मेरे बाल पहले से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं क्योंकि आते ही जो है मैंने सीरम लगाया था, तो हर रोज़ याद नहीं रहता, जब याद रखता है तब तो लगा लेती हूँ, तो अभी स्ट्रेट दिख रहे हैं। जब गीले मतलब जैसे ही मैं स्विमिंग से आती हूँ और उसके बाद अगर सीरम नहीं लगाया तो पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं झाड़ू वाले, मतलब इतना झाड़ू तो नहीं बट स्टिल थोड़े रखते हैं। अभी तो सी इट्स नाइस ना, अभी तो स्ट्रेट ही लग रहे हैं तो सीरम भी लगा लगा के एकदम मैंने डब्बे खाली कर दिए सीरम। मेरे को अपना चेहरा अभी स्क्वायर टाइप में क्यों लग रहा है, स्विमिंग कर करके स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम फीलिंग कि स्क्वायर दिख रहा है पता नहीं। चाय भी आके मैंने रख दी है और आज स्विमिंग के लिए मैं दोनों को लेके नहीं गई थी क्योंकि हस्बैंड जो है घर में ही थे तो मैं दोनों को छोड़ के आज इतना से फटाफट जाके फटाफट करके आ गई। और पहले अभी जैसे 16 राउंड्स में लगाती हूँ लैप, वो जो लैप्स होता है ऐसे 16 राउंड्स लगाती हूँ, पहले वही 16 राउंड्स को मुझे लगाने में कम से कम 1.5 घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा लगता था लेकिन अभी नॉन स्टॉप लगा रही हूँ तो अभी मुझे 50 मिनट्स लग रहे हैं। और आज जब मैं स्विमिंग के लिए गई थी तो सर ने जो है स्टॉपवॉच भी लगाया था कि एक लैप पूरा अप एंड डाउन कंप्लीट करने में कितना मिनट लग रहा है,
तो मुझे लग रहे थे 3:59 लग रहा था, तो सर बोल रहे थे ठीक है लेकिन वो 2.5 मिनट तक आना चाहिए, मतलब अप एंड डाउन। मैंने बोला बाबा रे, बट क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस से ही आएगा वो, एकदम से तो नहीं आएगा। सो विल प्रैक्टिस। एंड मेरा ये जिससे मैं शूट कर रही हूँ उसका स्क्रीन टूटा हुआ है, मुझे आधा तो दिखाई नहीं देता है कि क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही होती हूँ क्योंकि फ़ोन लेने जाना है तो मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं जाके आ सकती हूँ लेकिन कुछ खास चीज़ें लेते टाइम जो ना पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो चलिए अभी जाएंगे कि नहीं पता नहीं, पहले देखते हैं और क्या काम है। सो अभी बाहर जाना है तो मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। तो स्विमिंग से आने के बाद थोड़ा 1 घंटा हो जाता है तब आपका फेस थोड़ा नॉर्मल स्टेज में आता है। तो मैंने यहाँ पे मेकअप भी कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, ओनली जो है काजल और लिपस्टिक लगाई थी और कुछ भी नहीं लगाया बस। लेकिन फिर भी जो है थोड़ी देर के बाद फेस लगता है भाई ये अपना ही फेस है, किसी और का नहीं है। लेकिन स्विमिंग करके आते हैं ना, जब लगता है बाप रे ये कौन है ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि भैया स्विमिंग छोड़ो कि करो, अगर टैन इतना बुरी तरह हो रहा है। लेकिन हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये वाला कुर्ता बड़ा ढीला ढीला सा हो गया है, अदरवाइज पहले टाइट होता था। तो आज मैंने सोचा क्योंकि बाहर जब भी शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने सोचा चलो पोनी बना लेते हैं आज, क्योंकि ओपन हेयर में फिर पसीना वसीना आके चिपकता रहता है, इसलिए तो मैंने आज पोनी बना ली। फाइनली मैं थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि या तो फ़ोन रिपेयर होगा या तो नया फ़ोन आएगा, दोनों में से एक काम तो होना ही है, बिकॉज बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो शूट करने में। मैं सब कुछ जैसे फ़ोन से ही शूट करती हूँ, कैमरा मैंने लिया नहीं है, या तो मैं कैमरा भी ले सकती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो जो चीज़ मुझे जब पसंद आई उसके हिसाब से मैं ले लूँगी, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। एंड ये उल्लू वाले इयररिंग्स पहने मैंने, ऐ ना నిద్ర పోతాం. तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड आपको वो मेकअप लुक कैसा लगा, जो साड़ी वाड़ी का था कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दो कैसा हल्ला मचा रहे हैं। तो लोगों के साथ शूट करने में ऐसा होता है, साइलेंस में शूट करने में आपने देखे हुए मेरे वीडियो। तो चलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए घंटे बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड स्टिल दैट सरप्राइज इज़ ऑन, आई हैवंट रिवील्ड कि किस चीज़ के लिए गई थी मैं, क्योंकि वो तो मैंने दिखाया नहीं, वो और एक बड़ा सरप्राइज है। तो चलिए बाय बाय फॉर नाउ।